गुड मॉर्निंग। तो ये कल नोटिस आया 1 मई को और रात को ही एडमिट कार्ड आ गए। तो हमने तो अपने क्लाइंट से खैर कल रात को डाउनलोड करवा दिया था। हमें पता ही था 5 मई को पेपर होना, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये देखिए वेबसाइट है, तो exams.nta.ac.in आपको दिखाता हूँ मैं। आप इसको यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। इस पेज पे आपको क्लिक हियर फॉर एडमिट कार्ड करना है। देखिए इस समय चूंकि सुबह की 8 बजी हैं तो बहुत सर्वर पे इशू लोड है और आप कर भी नहीं पाएंगे। एप्लीकेशन नंबर होता है, ये मेरे जानकार का है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और हमारे क्लाइंट का ही है। ये जो जो जब नीट का फॉर्म भरा था, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आप भरेंगे, आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, क्योंकि ये समझ लीजिए ओपन है, इसमें कोई कोड बोर्ड कोई पासवर्ड नहीं लगता। मतलब कोई किसी का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है, पर कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, तो देखिए ये बार बार ये एरर आ रहा है। एरर से बिल्कुल मत घबराइए, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अभी सर्वर पे बहुत लोड चल रहा है और चल ही जाएगा ना, 25 लाख लोग ने भरा फॉर्म, बार बार ये ऐसे एरर आ रहा है और जैसे नहीं आया तो पकड़ रहा है। वेरी गुड, ओके, फिर आ गया एरर। घबराइए मत, आएगा तो खुल जाएगा, खुल जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो हो गया, इस तरह से एक एडमिट कार्ड आता है 4 पेज का। ये हमारे कोर्स के स्टूडेंट का है और मैं आपको ऊपर स्टूडेंट की डिटेल्स हैं तो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो ये है। द कैंडिडेट इज टू पेस्ट द लेटेस्ट कलर्ड पोस्ट कार्ड साइज, क्योंकि एडमिट कार्ड में पासपोर्ट साइज फोटो तो आ गई है, तो जो आपने याद है पोस्ट कार्ड साइज फोटो खिंचवाई थी वो आप पेस्ट करेंगे एडमिट कार्ड में ना, ऊपर जगह है पेज नंबर 2 में। ठीक है, फिर इन विच लेटर शैल एंड शो दैट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इज मैचिंग, जो आपने भरा था आप साइन करेंगे। इन विच लेटर शुड साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ करेगा। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू ब्रिंग दिस पेज ऑफ एडमिट कार्ड विद द पेस्टेड फोटोग्राफ। इफ शी डजन ब्रिंग शी विल नॉट बी नॉट अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और जैसा मैंने कहा ये ऊपर के पेज पे है। अब ये आगे बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो पेज नंबर 4 में आएगी, समझ लेते हैं एक बार। द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट टाइम इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग टाइम, वो ऊपर लिखा हुआ है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द स्टेज आफ्टर वेट, सिंपल बातें हैं। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर एंड ऑफ एग्जाम। तो पेपर आता हो ना आता हो पूरे 3 साढ़े 3 घंटे बैठने पड़ेगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ एग्जाम प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इवेल्यूएटर, डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन विद एडमिट कार्ड, बेसिकली यही है। एडमिट कार्ड कैसे 3 पेजेस, पेज 1 कंटेन सेंट्रल डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, पेज 2 हैज अ पोस्ट कार्ड से फोटोग्राफ जो मैंने बताया था, एंड पेज 3 हैज द इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ कैंडिडेट। द कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड ऑल 3 पेजेस। ये जो ऊपर के पेज थे ना, ये था वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, राइट। ये जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ पर वो फोटोग्राफ आएगी, ओके। अब देखिए इसके नीचे आ जाते हैं, क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या सामान लेके जा सकते हैं, ये तो आप समझदार करेंगे ही। अलाउड एंड विदाउट वैलिड आईडी प्रूफ, अपना आधार कार्ड साथ रखिएगा। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं। एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड ऑन द अटेंडेंस शीट, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी रखिएगा। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन हैविंग पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ फिक्स्ड ऑन द डेजिग्नेटेड स्पेस पेज 2, जो अभी हम डाउनलोड कर रहे हैं। आधार विद फोटो, ई आधार, राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर, फोटो तो सेंटर, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 12th कास्ट, एडमिट कार्ड ऑल्सो भी, ओनली केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रीवियस वन, राइट। और उसमें बहुत समय लग जाता है तो आप कोशिश कीजिए आधार कार्ड ही लेकर जाएं। और जैसे पहले आपसे कहा गया था, कोशिश कीजिए सिंपल कपड़े पहनने की। गर्ल्स हैं तो अपना सिंपल सूट सलवार या टी शर्ट ट्राउजर पहन सकते हैं। ब्लैंक पेपर शीट विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन एग्जामिनेशन हॉल, रेफर्स टू बी डन इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द टेस्ट बुकलेट ओनली, ठीक है ना।
आपको फिजिक्स में कभी बार यूज कर करनी पड़ सकती है, बायो ब्रेक पहले घंटे में नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस है कि एग्जाम में घुसने से पहले कोशिश कीजिए कि गो टू वॉशरूम एंड ऑल दैट, गलत काम मत कीजिए, ठीक है बस, और कुछ खास नहीं है। और इन्होंने स्पेशली मेंशन तो नहीं किया, बट मेरी सलाह वही रहती है कि कुछ भी रिलीजियस क्लोथिंग पहनने के बदले, स्पेशल क्लोथिंग पहनने के बदले, एक नॉर्मल जो एक डे टू डे में हम कपड़े पहनते हैं वो पहनिएगा। जूते मत पहनिए उस दिन, स्लीपर पहनने की कोशिश कीजिए, वरना जूते के अंदर चेकिंग की जा सकती है। और नॉर्मल गर्ल्स हैं तो टी शर्ट, जीन्स, सूट सलवार, बॉयज़ हैं तो अपना टी शर्ट, पैंट, जीन्स, शर्ट, सब ठीक है। ओके, बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक अब तो 4 दिन रह गए हैं, तो इस वीडियो में काउंसलिंग की बात भी नहीं करूँगा। आपने देख लिया प्रोसेस कैसे डाउनलोड करना है। अभी दिक्कत आ रही है, घबराइए मत, अभी सुबह का टाइम है, रात तक सब ठीक हो जाएगा। ओके, सो रात को कोशिश कीजिएगा आराम से, 10-11 बजे के बाद आराम से हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग अभी कर रहे होंगे ना, और घबराइएगा मत, हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट विशेज फ्रॉम ग्लोबल ऑन वर्क, बेस्ट विशेज फ्रॉम विवेक गुप्ता सर, कि आप सब अच्छा करें, डू योर बेस्ट एज यू ऑलवेज से, एंड मैक्सिमाइज योर इंडिविजुअल स्कोर। आपको मैंने टिप दिया था कि अब 3 दिन बचे हैं, तो पूरा सिलेबस कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, ना कि वर्क ऑन योर वीकनेस। 3 दिन में वीकनेस को पार करना मुश्किल होता है। कोशिश कीजिए जो आपको आता है वो इतने अच्छे से आता हो कि उसमें आप फुल मार्क्स लेकर आए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।